कैसे हो मेरे हम सफ़र, आप सबका मेरे चैनल में दोबारा बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आ चुके काजागुड़ा, जो कि हैदराबाद की बेस्ट प्लेस है सनसेट और सन व्यू के लिए। और आज आपको मैं सनसेट दिखाऊंगा और उसकी एक एक चीज़ एक्सप्लोर कराऊंगा, यहाँ पर कितना घूम सकते हैं आप। चलिए दोस्तों, आप देख सकते हो जब आप अंदर आते हो तो आपको पार्किंग की जगह भी मिल जाती है और अभी सनसेट हुआ नहीं है। और ये जो प्लेस है सनसेट के लिए और सनराइज़ के लिए बहुत मस्त प्लेस है, सनसेट और सन व्यू देखने का है तो ये बेस्ट प्लेस है हैदराबाद में देखने के लिए। तो आज हम सनसेट भी देख के जाएंगे यहाँ से। ये देख सकते हो दोस्तों, जो ये जो स्काई व्यू है, इसके पास जो एक और काजागुड़ा है जो कि इसका छोटा भाई है, तो आपको उधर का भी व्लॉग दिखाऊंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। दोस्तों जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको नई नई पत्थर दिखते भी जाएंगे और आप वहाँ पर चढ़ भी सकते हो, यहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो आप यहाँ पर कहीं भी घूम सकते हो। अगर आपको टाइम स्पेंड करना है तो ये बेस्ट जगह है अपने दोस्तों के सामने आने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ कॉलेज के कई सारे बच्चे आए चुके हैं। यहाँ पर रात में आओगे तो रात का सीन और भी मस्त होता है सुबह से, क्योंकि ये रात में जब लाइटिंग चसती है तो यहाँ पर पूरा अंधेरा हो जाता है, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट कुछ ही नहीं है। देख सकते हैं आप पीछे की जगह मेरी, तो इसलिए ये जगह नाइट व्यू के लिए मस्त है। जब आप यहाँ पर आओगे आप कितने सारे रील्स बना सकते हो, कितने सारे वीडियोस बना सकते हो। और यहाँ पर लोग प्री वेडिंग के लिए भी आते हैं, कुछ मूवी शूट करने के लिए भी आते हैं, और जिसको व्लॉग्स बनाना होता है या किसी को यूट्यूब वीडियोस बनाने होते हैं वो लोग भी जगह पर आते हैं। अगर आप भी हैदराबाद में रहते हो तो इस जगह पर आ सकते हो। और ये जगह पर ज़्यादातर वैलेंटाइंस भी आते हैं, कपल्स भी आते हैं, बहुत जने आते हैं, सिंगल्स सब आते हैं यहाँ पर। और आप भी आना चाहते हो आ सकते हो। ऊपर चढ़ चुका हूँ तो मैं आपको ऊपर का व्यू दिखाऊंगा यहाँ से। अभी लाइटिंग हुई नहीं है, जब यहाँ का नाइट व्यू होता है तो यहाँ पर बेस्ट ऑफ बेस्ट मोमेंट्स के फोटोस आते हैं। यहाँ पर वो देख सकते हैं, ये जो स्काई व्यू है यहाँ का, देख सकते हैं जो कि बेस्ट स्पॉट है फोटोग्राफी के लिए भी है। अगर आप ड्रोन से लेते हो तो आपकी फ़ोटो मस्त दिखेगी यहाँ से, क्योंकि एक तो जो जगह है एकदम ऊंचाई वाली जगह पर ये जगह। दोस्तों अब हम उधर जाएंगे उस पत्थर की तरफ, जो कि रास्ता है इसका रास्ता यहाँ से है। ये देख सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा पत्थर है यहाँ पर, देख सकते हैं वो पत्थर जो टिप पे, एकदम पत्थर के टिप पे है, इतना भारी पत्थर, कम से कम 10-15 टन का होगा वो पत्थर भी।
तो अभी नाइट व्यू होने वाला है, तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा दिखने लगी ये जगह। जैसी और रात होगी और मस्त दिखेगी ये जगह। साढ़े छः बज चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे 6:30 बजते इतने मच्छर आ जाते हैं, अगर आप सिर्फ 5 सेकंड के लिए एक जगह पर खड़े हो जाओ ना, कम से कम 10 से 15 मच्छर आपको अटैक कर देंगे। इसलिए जैसे 6:30 होती है यहाँ से बहुत जने चल भी जाते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई है भी नहीं। दोस्तों जैसे मैं आपको कहता हूँ यहाँ पर स्ट्रीट लाइट होती नहीं है, लेकिन यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा होता है। आपको मैं नज़ारा दिखाता हूँ, देखिए उधर। दोस्तों देख सकते हैं जो ऊपर दो तारे दिख रहे हैं आपको, वो एक जुपिटर है जो सबसे ज़्यादा चमक रहा है, वो जुपिटर है। जो उसके सामने जो है वो वीनस का तारा है, थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। सबसे चमकता हुआ तारा दिख रहा है वो जुपिटर है, जो उसके सामने है वो वीनस है, और ये हम अर्थ पे हैं। जैसे आपको कहा था यहाँ पर स्ट्रीट लाइट है नहीं, ना लाइट कुछ नहीं है, इसलिए हम फ़ोन की लाइट चला के आगे बढ़ रहे हैं। तरह शूट करना है कुछ भी हॉरर थिंग के जैसा, तो यहाँ पर आ सकते हो एकदम। दोस्तों अभी तो रात हो चुकी है, लेकिन मैं उस जगह की फ़ोटो आपको जो है दिन में आके दिखाऊंगा कि यहाँ पर फ़ोटोज़ कितने अच्छे दिखते हैं, क्योंकि वो एक ही स्पॉट है जहाँ पर फ़ोटोज एकदम मस्त आती है, तो पूरे मणिकुंडा के साथ आती है एकदम। इसको ये जगह जो है काजागुड़ा लैंको हिल्स बोलते हैं इस जगह को। और आप देख सकते हैं जो बड़े बड़े बिल्डिंग आए, ये सारे हैदराबाद के जो सबसे बड़े बिल्डिंग आए इस जगह पर ही बने हुए हैं। और आप देख सकते हैं बिल्डिंग से कैसे लाइटें निकल रही है एक एक फ्लोर से, तो आप देख सकते हैं कि लाइटा कैसे चमक रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर हर जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, एकदम बड़े से बड़े बिल्डिंग बनाई जा रही है यहाँ पर। आप जिधर भी नज़र मारोगे इधर हर जगह आपको इसी बिल्डिंग ही बनती हुई दिखाई देगी। और आप वो सामने बिल्डिंग देख सकते हो कितनी खूबसूरत लग रही है, आपको कैमरे भी इतना परफेक्ट दिख रहा नहीं होगा, लेकिन जब यहाँ पर आओगे तो आपको मस्त जगह दिखेगी, नाइट व्यू मस्त दिखेगा। और ये जो जगह है एक दिन इसे भी तोड़ के यहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए जाएंगे। चलते क्योंकि रात हो चुकी है, रात में यहाँ स्ट्रीट लाइट कुछ ही नहीं है, लाइट्स वाइट कुछ नहीं है यहाँ पर कितना उसको तो जल्दी जाना होगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार भी करो। इसका छोटा भाई भी है यही पहाड़ का, तो इसका छोटा भाई भी आपको दिखाऊँगा, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके लिए बाय बाय।
कॉर्नर में रखो, इस कॉर्नर पे। अच्छा कॉर्नर पे रखो। हाँ जैसे मैं आता ना इस कॉर्नर पे आते कि पूरा। अच्छा अच्छा ठीक है, स्टार्ट। हाँ हो गया।